आजकल मैडम आप बहुत ज्यादा वीडियो डालती है, शादी शादी क्या करना चाहती हो? शादी करना चाहती हो? क्या अभी तक लड़का नहीं मिला क्या? अगर मिल जाता तो मैं कर ना लेती। तो अभी इतने सारे फेसबुक पे लड़के हैं, 28,000 एक पे मैंने देखा था, एक पे आपके 15-19-20 हज़ार कुछ फॉलोवर है, एक पे लगभग 3.5 लाख फॉलोवर है, उनमें से एक भी आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं अच्छा लगने की बात नहीं होती है, इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का सहारा बने, वो होती है असली शादी। किसी को यूज करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ चीट करना, वो शादी नहीं है, वो नौटंकी है। और मुझे नौटंकी नहीं चाहिए, मुझे शादी चाहिए प्रॉपर। तो प्रॉपर शादी का तरीका तो बताओ क्या क्या होना चाहिए? यूज करे सब तो बहुत यूज कर लेते हो आप, शब्दों से नहीं होता हकीकत। आपको लड़का सही कैसा? लड़का चाहिए बिंदास हो, हंसमुख हो, बहुत खुश रहने वाला हो, कोई बात कहो तो बुरा ना माने, बुरा ना मानो होली करके निकल जाए बात को। अगर मैं उसको 100 रुपये भी दूँ, अगर वो खर्चीला बहुत ज़्यादा भी है, तो कम से कम 20 रुपये तो बचा के लाए, 80 रुपये खर्चा कर दे चलेगा। तो यही सब जिंदगी में छोटे मोटे एक दूसरे को सहारा, कभी मेरी ज़रूरतें पड़े तो वो खर्चा करे, कभी उसका पड़े तो मैं करूँ। तो हमने तो ऐसा सुना है कि दहेज वहेज की भी कुछ बातें होती है, क्या ये सच है या झूठ? दहेज से मुझे सख्त नफरत है। अच्छा, ठीक है। हमने तो ऐसा कहीं कहीं कमेंट देखे थे तो कि ये मैडम इसलिए लड़का पास नहीं कर रही है, क्यों? हमने आपके वीडियो बहुत देखे थे जी, तो उसके अंदर ही भी ऐसे कमेंट आ रहे थे जी कि हमने बहुत ट्राई किया था, पर्सनली मिले थे। क्या पर्सनली आपसे कोई लड़का मिला था? नहीं। अच्छा, अभी तक पर्सनली नहीं मिला तो अब कैसे पता चलेगा? पर्सनल मिलने के लिए वहाँ पर रिक्वायरमेंट है कुछ। सहिता केसवानी चैनल पे लाइक आए, फॉलो करे, लाइक करे, ज्वाइनिंग ले, उसके बाद हम उसको वहाँ बताएंगे क्या है उसका प्रोसेसिंग। अच्छा, ऐसा भी है क्या? सब बता देंगे तो फिर तो बस बताना तो पड़ेगा ना, अभी शादी तो। हाँ, तो लाइव में जुड़ेगा ना, वीडियो तो देख रहा ना हमारा। हम वीडियो देखते हैं मैडम। हाँ, तो ज्वाइनिंग भी लेगा ना, जिसको शादी करनी है, जिसको शादी करनी है वो कहाँ कहाँ भाग भाग के जाता आपको पता नहीं? आपकी शादी हो गई है? हमारी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो जब खुद ही रोड पे हो तो दूसरों को भी रोड पे लाओगे? हम रोड पे लाने की बात नहीं, हम एक जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो आप ढूंढ रहे हो तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। तो आप मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं कुछ खर्चा करता हूँ, 20 रुपये बसा के रखूंगा, तो क्या आप शादी कर लोगी? नहीं नहीं, पहले वहाँ मेरे सरिता केसवानी लाइव पर आए। हाँ। या सरिता केसरवानी पर आए फेसबुक। हाँ। पे ज्वाइनिंग लें। हाँ। उसके बाद में लाइक करे वीडियो को, कमेंट करे, फिर वहाँ ज्वाइन होने के बाद मैं उनकी प्रोसेसिंग बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। ऐसे क्यों बताऊं? लोग लड़कियों को पता है चांद तारे दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ चांद तारे नहीं चाहिए, यहाँ पर जो स्टार दिख रहा ना वही दे दो काफी है, लेकिन टू हो जाते हैं, जो देगा यानी वो दिलदार होगा। अच्छा, स्टार देना है जी? अच्छा, वो जो लाइक और शेयर के बाजू में के स्टार वाला ऑप्शन दिखता है वही स्टार ना, वहाँ दबा के ना? जी 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 जी। अच्छा, हमने तो ट्राई किया था पर तो वहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया था, तो आज ही आपने बताया है तो हम वहाँ से स्टार देंगे जी। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने स्टार दिया है परंतु पता नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। आजकल हम ट्राई करते हैं, तो आज लाइव आप आएंगे, उस लाइव में देखते हैं स्टार कैसे मिलता है। बाकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट? नहीं, बाकी तो इंसान अच्छा रहेगा, हंसमुख रहेगा तो खुद ही कोऑपरेट कर लेगा, मैं उसे वो मुझे। ज़्यादा हंसने वाला हो गया तो? फनी वाला रहेगा तो अच्छी बात है, वो थोड़ा ज्यादा एकदम ही हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? नहीं नहीं, क्यों? कभी कभी हमने ऐसा सुना भी है कि ज्यादा हंसी वाला भी। नहीं नहीं, तो हम खुद ही उससे ज्यादा हंस लेंगे तो हमारा भी लफड़ा हो जाएगा, इसलिए हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी भी बात है? हर काम मीडियम में चाहिए, खाना खाना है लिमिट में खाना है, हंसना है लिमिट में हंसना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, अगर उड़ा रहे हो तो इतना कंट्रोलिंग होना चाहिए किसी अगले को ज्यादा बुरा ना लग जाए, हर चीज सोच समझ करके। अच्छा जी, गाड़ी चलाते हो ज्यादा एक्सलेटर लोगे तो क्या होगा, भसड़ोगे ही। हाँ, ये तो बात आपकी सही है, तो हर काम लिमिट में। अच्छा, अभी हमें पता चल गया हम लिमिट जी। में। हाँ। क्या आपके सवाल खत्म हो गए हैं? नहीं, हमारे सवाल और भी है जी, बोलिए। सवाल ये, हमने ये भी सुना कि सरिता केसरवानी के पास गाड़ी बंगला है सब कुछ है, तो वो सरिता केसरवानी जो शादी करेगा उसको देगी क्या कुछ? गाड़ी बंगला मैं दूंगी क्यों, मेरे साथ रहेगा तो अपने आप वो चलाएगा, क्या वो कमाता है तो क्या, अगर वो गाड़ी बंगला तो क्या उसका गाड़ी बंगला हम लिखवा लेते हैं क्या? नहीं लिखवाते ना,
अच्छा ऐसा भी है क्या लिखवाना जी? नहीं, किसी ने बोला कि सरिता केसरवाली के पास बहुत घर बंगला है, तो क्या वो हमारा नामे भी करेगी क्या? नहीं रे बाबा, नाम फाम नहीं करती मैं, ऐसा उल्लू नहीं बनाते किसी को। अच्छा, नाम नाम तो जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा है। अच्छा, बात बराबर रहने के लिए एकदम साथ। हाँ रहेगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ अगर उसको जाना होगा तो जाएगा, अगर नहीं जाना उसको तो वो अपने फ्रीडम के हिसाब से, मैं बाउंडेशन नहीं करती। और आपको खाने में क्या क्या पसंद है? खाने में वेजिटेरियन चाहिए, वेजिटेरियन लड़का भी होना चाहिए, नॉनवेज नहीं चाहिए, ड्रिंकिंग वाला नहीं चाहिए, स्मोकर नहीं चाहिए, फलाना ढमका ये जो खाते ना क्या बोलते हैं उसको पैकेट फाड़ के, वो भी नहीं चाहिए। पैकेट फाड़ के तो जर्दा गुटका यही ना? हाँ जर्दा गुटका ये सब नहीं। बड़े बड़े स्टार इसकी एडवर्टाइज करते हैं तो वो खाते वाला तो अच्छा ही बनता रहेगा ना। कोई कहेगा कुआं में कूद जाए तो कूद जाएगा क्या? अगर हम उसको अगर बड़े स्टार कहेंगे सहिता के नाम से अपनी प्रॉपर्टी कर दो तो क्या कर देगा? इतना बूता नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है कि स्टार एडवर्टाइज देते हैं तो वो उसके चक्कर में हम खा ले। वो एक साठ पट्टी वो स्टार के ऊपर एक कंधे पे रख के बंदूक चला रहे, वो गलत कर रहे हैं। उनको खाना है तो वो नशा अगर कर रहे हैं तो वो अपने अपने बलबूते पे भी उनसे कह दो कि पूरा पैसा दे दो तो क्या दे देंगे क्या? कितना भी नशे में हालत रहेगा वो अपने फ्लैट नहीं लिखेगा उसके नाम पे। ऐसा भी होता तो है। वो उल्लू बनाने वाला तरीका है कि स्टार की बदनामी ना करे, वो खुद बर्बाद इंसान है, दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं। हाँ।